ललित मोदी, अनिल अंबानी, उसकी कहानी सुनी है? अनिल की कहानी सुनी है? बताऊं? अनिल की कहानी बताता हूं। अनिल अंबानी, पहले आपसे एक सवाल। अनिल अंबानी ने देश के युवाओं को कितना रोजगार दिलवाया है? दोनों हाथ से करिए ना। अनिल अंबानी ने देश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया। एचएएल कंपनी का नाम सुना आपने? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, सरकारी कंपनी है। 70 साल से युवाओं को रोजगार मिल रहा है उसमें। 70 साल से एचएएल की कंपनी लड़ाकू विमान बना रही है, मिराज, नेट, सुखोई, मिग, जैगुआर, ग्वालियर में सुखोई, मिग, मिराज हवाई जहाज देश की रक्षा करते हैं। किसने बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया। यूपीए की सरकार थी, एयरफोर्स ने कहा हमें 126 हवाई जहाजों की जरूरत है। यूपीए सरकार ने बोला हां। फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी से हवाई जहाज खरीदने थे, यूपीए ने साफ बोला 126 हवाई जहाज खरीदे जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी हिंदुस्तान में ये हवाई जहाज बनाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, हजारों युवाओं को बेंगलोर की फैक्ट्री, बाकी एचएएल की फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश के ऑटोमोबाइल के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को, मैकेनिकल इंजीनियर्स को, सिस्टम्स इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा। नंबर याद रखिए, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज, 126 हवाई जहाज। एचएएल ने 70 साल काम किया, कोई कर्जा नहीं उनपे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते कहते हैं भाई नहीं, कहते हैं मित्रों। मित्रों, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बना। पहला सवाल, चौकीदार जनता को मित्रों कहता है और अनिल अंबानी को अनिल भाई कहता है। मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को नीरव भाई, मेहुल भाई, और आपको मित्रों। मोदी जी आते हैं, अनिल अंबानी जी को फ्रांस ले जाते हैं, डेलीगेशन में प्रधानमंत्री के साथ अनिल अंबानी जाता है, कुछ नहीं करेगा। अनिल अंबानी को ले जाता है, फ्रांस की कंपनी को और फ्रांस के राष्ट्रपति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहता है। 126 हवाई जहाज नहीं खरीदे जाएंगे, 36 हवाई जहाज खरीदे जाएंगे। हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा। हवाई जहाज एचएएल को नहीं दिया जाएगा, हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट अनिल भाई को दिया जाएगा। और सबसे मजे की बात भाइयों और बहनों, 526 करोड़ का हवाई जहाज हिंदुस्तान की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा, मतलब 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट
बदलने के लिए। नुकसान किसका? भैया आप हाथ उठा रहे हो, आपको यह बात समझ नहीं आ रही है कि आपके जेब में से पैसा निकला है। क्या नाम है आपका? समा, आपके जेब में से पैसा निकला है, डायरेक्ट आपके जेब में से पैसा निकला जादू से, अनिल अंबानी अनिल भाई के जेब में गया 30,000 करोड़ रुपए। अब मैंने प्रधानमंत्री से पूछा, लोकसभा में पूछा, प्रधानमंत्री जी अनिल भाई को आपने 30,000 करोड़ रुपए का फायदा क्यों पहुंचाया? अनिल भाई पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। अनिल भाई ने जिंदगी भर हवाई जहाज नहीं बनाया। अनिल भाई ने कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 12 दिन पहले कंपनी खोली। और जैसे मैं आपकी आंख में आंख मिला रहा हूं, ऐसे मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, आपने अनिल भाई को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? आंख में आंख मिला रहा हूं ना, है ना? और जब मैंने मोदी जी से पूछा, देश के सामने, मैं नहीं पूछ रहा था, देश के युवा पूछ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे, देश का किसान पूछ रहा था, देश का मजदूर, छोटा दुकानदार, वो पूछ रहे थे मैं कौन हूं। और जब मैंने ऐसे आंख में आंख मिलाई, नरेंद्र मोदी कभी इधर देखे, कभी नीचे देखे, कभी साइड में देखे, कभी ऊपर देखे, कभी करे, प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बनाओ। मगर नरेंद्र मोदी जी ने आपको यह नहीं बताया कि वो आपके चौकीदार नहीं बन रहे थे, वो अनिल भाई, मेहुल भाई, नीरव भाई और 15-20 सबसे अमीर लोगों के चौकीदार बनना चाह रहे थे, और उन्होंने उनका काम किया है पिछले 4.5 साल।